नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले गेंदबाज ओली रॉबिन्सन को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है। इस मुकाबले में, जो कि इनका डेब्यू मैच था, इन्होंने बहुत ज़्यादा शानदार गेंदबाजी करी थी। ओली रॉबिन्सन ने 7 विकेट चटकाए थे और साथ ही 42 रन भी बनाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रॉ होने के बाद ईसीबी ने यह जानकारी दी कि ओली रॉबिन्सन को इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया है। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जब इन्हें सस्पेंड किया, इसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ओली रॉबिन्सन नहीं खेल सकेंगे। दरअसल इस 27 वर्षीय तेज गेंदबाज ने जब 2012 से 14 तक लिंगभेद और नस्लवाद से जुड़े कई ट्वीट किए थे, उसकी वजह से इन्हें सस्पेंड किया गया है। दरअसल ओली रॉबिन्सन ने जब टेस्ट डेब्यू किया तो उनके यह ट्वीट्स वायरल होने लगे और इसी वजह से इसी भी हरकत में आ गया और इन ट्वीट्स के चलते ओली रॉबिन्सन को इंटरनेशनल क्रिकेट से ईसीबी ने सस्पेंड कर दिया। डेब्यू मैच में ओली रॉबिन्सन ने हालांकि धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट चटकाए और साथ ही 42 रन भी बनाए। आपको बता दूं कि सर्वाधिक विकेट चटकाया, कहीं ना कहीं इन्होंने 7 विकेट चटकाए और साथ ही टीम सऊदी ने भी 7 विकेट चटकाए थे इस मुकाबले में। तो संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे यह पहले टेस्ट में। लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद ओली रॉबिन्सन को सस्पेंड झेलना पड़ा है और अनुशासनात्मक जांच के परिणाम आने तक ओली रॉबिन्सन सस्पेंड रहेंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट 10 जून से खेला जाना है और इस मुकाबले पे भारतीय फैंस की भी निगाहें होंगी निश्चित तौर पे दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसका फाइनल मुकाबला 18 जून को खेला जाएगा और निश्चित तौर पे इस वजह से भारतीय क्रिकेटर्स के अलावे क्रिकेट फैंस की भी इस मुकाबले पे ज़रूर निगाहें होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और साथ ही आपको यह भी बता दूँ कि हमारे चैनल पर क्रिकेट की लेटेस्ट खबरें, बायोग्राफी वीडियो और साथ ही क्रिकेटर्स की इंटरव्यू भी आती रहती है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ। लव यू ऑल।